प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 8 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसको ध्यान दें क्योंकि इसके अंदर एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं, तो इसको कहेंगे मल्टी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। एग्जाम्पल नंबर 8, इससे पहले 7 एग्जाम्पल अपलोड हो चुके हैं, उनको भी जाकर आप देख सकते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। और आपको पता है कितना आसान तरीका है हमारा समझने का ये तरीका है कि जैसा क्वेश्चन बताए वैसे सॉल्व करते हुए चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन यहाँ पर लगा देते हैं। क्या पूछा भाई आपसे, देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 हमसे कह रहा है 2 पार्टिकल्स, ठीक है, ईच हैविंग अ मास ऑफ  5 ग्राम्स। देखो 5 ग्राम का दोनों का है ना मास है, हमने 2 पार्टिकल दे रखा है। अब कह रहा है एंड चार्ज 1.0 × 10⁻¹⁷ कूलम। तो हमें पता है 2 पार्टिकल्स हैं जिनके चार्ज जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, दैट इज 1.0 × 10⁻¹ कूलम, एंड दैट हैव इक्वल मासेस, दैट इज इक्वल टू m1 = m2, दैट इज इक्वल टू 5 ग्राम्स। ये मैंने नहीं कह रखा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब आपको पता है ग्राम्स को कन्वर्ट करते हैं किलोग्राम में, तो 5 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये किलोग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। ओहो, ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में रखे हुए हैं। कैसे रखे हुए हैं, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में। आगे देखो, ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, और लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में भी कहाँ रखे हैं, हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर। तो लेट अस सपोज कि आपके पास ये एक टेबल है, इसके ऊपर एक चार्ज ये रखा हुआ है, दूसरा चार्ज ये रखा हुआ है। चार्जेस की वैल्यू सेम है, इन दोनों के मासेस भी सेम है, ठीक है, और ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। अब लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि ये दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहे होंगे, वो भी रिपल्शन फोर्स लगा रहे होंगे। ये इस पर रिपल्शन लगा रहा होगा और ये इस पर रिपल्शन लगा रहा होगा, क्योंकि हमें दे रखा दोनों का चार्ज कैसा है, सेम है। अब होगा क्या, होगा ये जब ये रिपल्शन लगाने की कोशिश करेंगे तो ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश भी करेंगे, तब उस कंडीशन को हम कहेंगे। अब देखो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम तब होगा, ये तो इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ये भी इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, किसी एक पे देख लेते हैं। जब ये जाने की कोशिश कर रहा होगा, इस पर फोर्स लग रहा होगा इस तरफ को, तो फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, इसे रोकने की कोशिश करेगा, तो थोड़े फोर्स के लिए ये मूव नहीं करेगा। तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता चला जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स किसी लिमिट तक रीच कर सकता है, तो वही कंडीशन कहलाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, या फिर लिमिटिंग कंडीशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमसे उसी कंडीशन में हमसे क्या कह रहा है, ये सॉल्व करवा रहा है, हमसे ये कह रहा है कि भाई इसका मास तुझे पता है, तू एक काम कर, तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और इस टेबल के बीच में कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू को बता दे। देखो यही पूछा गया हमसे, क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखे हुए हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब ये जस्ट मूव करने वाला है, एक दूसरे से दूर जाने ही वाले हैं, लेकिन जो हमें फ्रिक्शनल फोर्स है वो इसको रोके हुए है, तो एक लिमिटिंग कंडीशन पर रोके हुए है। आगे क्या कह रहा है, देखो हमसे कह रहा था कि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, इट मीन्स गैप जो है, वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर बिटवीन देम। आगे क्या कहा, द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पार्टिकल एंड द टेबल इज द सेम, फाइंड म्यू। तो हमसे म्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करवा रहा है। तो अब क्या करेंगे, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, तो आप पहले इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर लो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 / डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻¹। Q1 की वैल्यू कितनी है, Q2 की वैल्यू दोनों की सेम है, तो इसको कह सकता हूँ 1.0 × 10⁻¹⁷ का स्क्वायर। आपने ऊपर चार्जेस रख दिए, नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर करना है। डिस्टेंस कितनी दे रखी है इन दोनों के बीच में, 10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूँगा और मैं स्क्वायर कर दूँगा क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो ये जो मेरे पास फोर्स की वैल्यू निकल कर आई है, ये मेरे पास आया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस रिपल्शन को ओवरकम किए हुए है, मतलब एक लिमिटिंग कंडीशन में है। तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, एक दूसरे से मूव करने वाले ही हैं, तो वो कंडीशन कहलाती है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की।
उस कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है वो जस्ट इक्वल होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो यहाँ पर आपने इसको इक्वेशन नंबर वन कह दिया, इसको सॉल्व मत करो, ऐसे ही रहने दो, सॉल्व मत करो, ऐसे ही रहने दो, ये सॉल्व करने से फ़ायदा है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 × 10⁻⁹, ये ऐसे ही रहेगा, ये 1 का स्क्वायर 1 रहता है, 10⁻⁷ हो जाएगा, 10⁻⁴, 10 से 10 कट गए, 1/10, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/100, 100 सबसे ऊपर चला जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचा। सॉल्व करते हैं, 10⁻⁴ ये है, 10⁻⁹ ये है, 10⁻² ये है, तो 9 + 2 कितना हो गया, 10⁻⁺, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻³, 11 ये है प्लस का माइनस का 14 है, तो 9 × 10⁻³, ये आपके पास आ गया रिपल्शन फोर्स। लेकिन रिपल्शन फोर्स को ओवरकम कौन करेगा, जल्दी से बताओ, शाबाश, ये करेगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो आप फ्रिक्शनल फोर्स निकालोगे, सिंस वी नो दैट, ये फिर नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, सिंस वी नो दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होता है μ × r, r क्या होता है, रिएक्शन होता है। अगर आपके पास एक बॉडी ये है, इस कंडीशन में अगर मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स, अगर बॉडी पर फोर्स इस तरफ को लग रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल f इस तरफ को लगा हुआ होता है, और यहाँ पर रखा हुआ होता है इसका अपना खुद का वेट, दैट इज mg, और यहीं पर लग रही होती है रिएक्शन फोर्स r। तो μ × r, r जो है वो mg के इक्वल हो जाता, तो r इज इक्वल टू mg, तो यहाँ पुट कर देंगे r की जगह mg, तो μmg हो जाएगा, म्यू ऐसे रहेंगे, मास 5 ग्राम दे रखा था, ग्राम को किलोग्राम में आपने कन्वर्ट किया था, ये हो गया था, जी की वैल्यू 9.8 होती है। तो ये हो गई आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू। तो हम लिखेंगे एट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा। तो लगो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये आया था 9 × 10⁻³, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आया आपके पास, μ × 5 × 10⁻³ × 9.8, ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड में ले आओ, इधर म्यू बचेगा, इधर 9 × 10⁻³ ऐसा ही है, ये डिवाइड में आ जाएगा 5 × 9.8 × 10⁻³, 10⁻³ से 10⁻³ सीधा कट जाएगा, तो यहाँ 5 × 9.8 बचा, तो म्यू इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 9/5 × 9.8, ठीक है भाई। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो ऊपर हो गया 90 और नीचे हो गया 5 × 98, ठीक है भाई। 5 से काटते हैं ऊपर वाले पार्ट को, 5 × 5 4 बचे, 5 × 8 = 40, 18 × 5 = 90, तो ये 18/98 आया। तो 18 को जब 98 से डिवाइड करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, एक मिनट, जब ये इवन नंबर है तो 2 से काट दो, ये 9 बार चला जाएगा, 2 × 8 = 2, 9 × 18 = 49 बार चला जाएगा, तो 9 को डिवाइड कर लो 49 से और आपके पास आंसर पा लो। तो डिवाइड करते हैं 9 को 49 से, नहीं जाएगा, लगा दिया पॉइंट, बढ़ा दिया 0। अब यहाँ पर देखो कितनी बार जाएगा, ये आपके पास 90 हो चुका, अगर मैं 49 की 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 98 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 49, सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 9 निकालेंगे 1 बचेगा, 8 में से 4 निकालेंगे तो 4 बचेगा, 41 है, पॉइंट लगा हुआ 0 हो जाएगा, लगभग 8 बार चला जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0.18। चूँकि ये कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन है तो इसकी यूनिट नहीं होती, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपके पास, म्यू इज इक्वल टू आया 0.18, यही आपसे पूछा था, ठीक है। सीधा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना, मल्टी कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं इसमें, एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट, हमें जो कंडीशन दे रखी थी हमने लिख दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन निकाल लिया, उसने कहा कि जो आपका सिस्टम है वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में, इट मीन्स जैसे ही बॉडी चलने वाली होगी
लेकिन उसको रोके हुए है फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स जस्ट इक्वल किसके होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स लग रहा होगा, तभी तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम को बोला था, बस उसी को आपने रख दिया और कैलकुलेशन सॉल्व कर ली, वहाँ से म्यू की वैल्यू निकाल दी। अगर आप लोगों का डाउट क्लियर होगा तो अच्छी बात है, लेकिन अभी भी स्टिल आपका डाउट बना रहता है तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टा टैली फेसबुक का लिंक दे रखा, जा करके कमेंट करें, अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं वापस से वहाँ जा करके। थैंक यू सो मच गाइज आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए।